हेलो गाइज, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हैप्पी व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। वीडियो देखकर आपको मालूम हो गया होगा कि आज हम आपके लिए भारतमाला रोड का एक वीडियो लेकर आए हैं। समय समय पर दोस्तों आपके लिए हम इस रोड के काफ़ी वीडियो लेकर आए हैं। सामने बोर्ड देखिए जो भारतमाला का डायल टोल फ्री नंबर है, आप देख सकते हो आप अपनी स्क्रीन पर। काफ़ी शानदार और काफ़ी अच्छी रोड बनकर अब तैयार हो चुकी है दोस्तों। इसका व्यू देखिए, दोस्तों हमारे कुछ व्यूअर्स ने इस रोड के बारे में कुछ बोला था कि आप जानकारी दें। दोस्तों यह रोड पंजाब के अमृतसर से चली है और यह रोड गुजरात के जामनगर तक जाएगी। अभी दोस्तों यह रोड चालू हुई है, काफ़ी शानदार और काफ़ी अच्छी रोड बनी हुई है, स्क्रीन पर आप देख सकते हो। इस रोड की कुल लंबाई 1293 किलोमीटर है। यह एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे है जो NH 754 के नाम से इसका नाम रखा गया है। काफ़ी शानदार और काफ़ी अच्छी रोड बनकर तैयार हुई है। दोस्तों मौसम काफ़ी सुहाना है, घने कोहरे के बाद आज काफ़ी अच्छी धूप खिली है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। दोस्तों आपको बता दें यह एक 6 लाइन हाईवे है। रोड काफ़ी शानदार और काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सुविधाओं से भरपूर रोड और पास में खेतों का नज़ारा दोस्तों आप देख सकते हो। गेहूं की फसल खड़ी है, काफ़ी शानदार और काफ़ी सुहाना मौसम। कोहरे के बाद ये धूप बहुत अच्छी लग रही है, आप देख सकते हो व्यू। दोस्तों ये साइड का दृश्य है, ये जो दृश्य है दोस्तों बरसात का पानी यहाँ से नीचे जाएगा। काफ़ी शानदार और काफ़ी अच्छी रोड। दोस्तों जिनकी ज़मीन भारतमाला की रोड की दोनों साइड हो चुकी है उसके लिए रोड ने पानी की सुविधा ये दी हुई है, आप देख सकते हो। एक तरफ आदमी की चलने की जगह और दूसरी तरफ पानी के आने की जगह। काफ़ी शानदार काफ़ी सुनहरा दृश्य। अभी साइड में कुछ इसका वर्क चल रहा है, जब वर्क पूरा होगा उस पर एक और वीडियो बनाएंगे। दोस्तों साइड का दृश्य कुछ इस प्रकार का है, काफ़ी शानदार और काफ़ी सुंदर रोड। पास में एक और अंडरब्रिज बना हुआ है जो खेतों के लिए है। आप देख सकते हो रोड का दृश्य। दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर कीजिए। दोस्तों ये खेतों के लिए अंडरब्रिज तैयार किया है इन्होंने, काफ़ी शानदार काफ़ी अच्छे दृश्य है।